गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माय स्पिति सीरीज़। आज हम हैं काजा में। कल हम तीन मॉनेस्ट्रीज गए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ उसको देखें। उससे पहले हम चितकुल गांव गए हुए थे एंड आज हम हैं काजा में और हम अभी निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए। हम रुके हुए हैं सोलो योलो के, इट्स नॉट विजिबल, हम अभी रुके हुए हैं सोलो योलो के होम स्टे में विच इज़ इन काजा। आई एम ट्रैवलिंग विद सोलो योलो ओनली एंड काफ़ी अच्छी ट्रिप रही है, वुमेन ओनली ट्रिप है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हमारा टेम्पो ट्रैवलर है जिसमें हम घूम रहे हैं। ये पीछे आपको होम स्टे दिख रहा है। अभी हम निकल रहे हैं, आज हम काफ़ी जगह जाने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस एपिसोड को, लास्ट तक देखें। पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं देन डेफिनेटली उनको देखें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्पिति ट्रिप से रिलेटेड आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगी, सो कीप वॉचिंग। अभी हम हैं लांगजा में। लांगजा एक बहुत ही छोटा सा गांव है स्पिति वैली में, जो कि फेमस है इस बड़े से बुद्धा के स्टैचू के लिए। 35 फीट हाइट है और इस विलेज का हाइट है 14,500 फीट अबव सी लेवल। बहुत ही प्यारा सा है, ब्राउन कलर के माउंटेन्स दिख रहे हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया है, बट थोड़ी बहुत खेती भी हो रखी है आस पास में। मोस्टली मटर उगाते हैं लोग इस टाइम पे यहाँ पे। और ये ब्यूटीफुल बुद्धा का स्टैचू जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। काजा से साइट सीइंग के लिए आप स्पिति वैली के कुछ छोटे छोटे से गांव में जा सकते हैं और ये सारे गांव किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। लांगजा का बुद्ध मूर्ति देखने के बाद हम बढ़े हिक्किम की ओर, जहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में लोकेटेड पोस्ट ऑफिस है। लांगजा से निकल के हम हिक्किम आए हुए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। मैं यहाँ से पोस्ट कार्ड सेंड करने वाली हूँ। ये चार पोस्ट कार्ड्स हैं मेरे पास, मैं चार लोगों को सेंड करूँगी। एक सेंड करूँगी मैं अपनी नीस को जो कि 4.5 साल की है बैंगलोर में, एक मम्मी पापा को कोलकाता में और दो दिल्ली जाएगा। हिक्किम का पोस्ट ऑफिस 4,440 की ऊंचाई पे है। Once it used to be the only communication between Spiti Valley and the outer world. As of September 2019, BSNL is the only operational telecom network in the Spiti Valley. कितने दिनों में पहुंचता है जिन जिन को भेजा गया है। हम कहीं भी जाएं, वहां के पलों को यादगार बनाते हैं वहां के लोग। The people of Spiti Valley are extremely sweet and welcoming. One of the most memorable moment is going to be the conversation with these people who were plucking peas from the fields. मटर सीधे खेत से छिले हुए मटर। हाँ।
स्पेशल स्पीति टाको। हॉट चॉकलेट। लंच किया हमने यहाँ पे, हमने लिया था स्पीति स्टफ ब्रेड और स्पीति टाको एंड सैंडविच भी लिया था और हॉट चॉकलेट्स भी लिए थे। बहुत बहुत टेस्टी है खाना, बहुत अच्छा है। सो अगर आते हो यहाँ पे कॉमिक में, रुकते हो, खा सकते हो, बढ़िया खाना है यहाँ पे। तो शानदार कटफेला, मॉनेस्ट्रीज भी है, सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है। बट हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम 10 कदम चल रहे हैं और हाफ ऐसे रहे हैं कि मान लो कितने किलोमीटर्स हम चल लिए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है एंड काफ़ी हाइट में है, मीन दिस इज़ दी हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन दी वर्ल्ड। सो काफ़ी एग्जर्टेड फील कर रहे हैं हम, एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज जगह बहुत सुंदर है। हमारे ग्रुप में कुछ ट्रैवलर्स ने तो वॉलीबॉल भी खेला, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको वीडियो में। सुंदर जगह है, मतलब स्पीति में जब आते हैं, स्पीति के डे टूर में कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में लाए जाते हैं, जैसे हिकिम हो गया, लांगजा हो गया, ये कॉमिक हो गया, वेरी ब्यूटीफुल। देवता होते हैं ना हर एरिया का, एक एरिया के प्रोटेक्टर होते हैं, गार्ड्स होते हैं और उनका वाइब्स होता है और उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते। जैसा उन्होंने मतलब जो रूल्स हैं उनके, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें उसके प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी साइड इफेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर और एक लामा था, उसके ऊपर और एक लामा था। अब मेरे बारे के मैं एक साल बैठे, मेरे के बाद फिर दूसरा एक लामा आएगा। अच्छा, और फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर मैं कहीं और चला जाएगा। अच्छा, पोस्टिंग अलग अलग ड्यूटी होती है। कितने टाइम तक की होती है? एक साल का। एक साल का। हाँ, ये लाइफ आपने चूज किया या इस लाइफ ने आपको चूज किया? नहीं, मतलब जैसे आपका मन था लामा के लिए। हाँ, अपना मन से। हाँ, अपने मन से गए। कॉमिक से निकल के हम गए की मॉनेस्ट्री, विच इज वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क्स ऑफ द स्पीति वैली। हमारी गाड़ी खराब हो गई, वो खड़ी हमारी गाड़ी। की मॉनेस्ट्री दिख रहा था, मतलब ज्यादा दूर तो नहीं है, बट जैसा कि मैंने बोला कि चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल वी डिसाइडेड टू वॉक। हमारे पेमा भाई, हमारे ड्राइवर जो है, वो गाड़ी ठीक करके ले आएंगे। तब तक वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द की मॉनेस्ट्री। यहाँ की मॉनेस्ट्री जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, नदी बह रही है, स्पीति रिवर है, जिसका कॉन्फ्लुएंस मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, जिसमें छितकुल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बैरन है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, बट इसमें भी एक अलग सा ही चार्म है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटिफुल। We'll be right back.
Monastery is the largest monastery of the Spiti Valley and is a religious training center for lamas. और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ ट्रैवलर्स को जो मॉन्क्स की बनाई हुई चाय पी रहे हैं। मॉनेस्ट्री काफ़ी बड़ा है, इसका जो न्यू पार्ट है उसके अंदर आप जा सकते हो, वहाँ पे वीडियोग्राफी भी कर सकते हो और न्यू पार्ट ही मैंने आपको दिखाया है। इसका जो ओल्ड पार्ट है वहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर है, मिट्टी का बना हुआ है, बहुत ही पुराने पुराने फ्रेस्कोज देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने वहाँ पे नोटिस करा। तो उस पार्ट को देखने के लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव अ चॉइस। So when are you planning for your trip to Spiti Valley?